हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो सोलर सिस्टम यानी कि इस टॉपिक का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो लीजिए आज मैं पेश हूँ इस टॉपिक के साथ। सो सोलर सिस्टम में सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन। सो सन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके आस पास, वो सब कुछ किस में आती है? सोलर सिस्टम में आती है। बट अगर हम एक ही वीडियो में सारा का सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश करें तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो हम इसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे पहले सन के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, जैसे जोवियन प्लैनेट्स होते हैं, गैसियस प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, इनर आउटर प्लैनेट्स होते हैं, वो सब हम एक वीडियो में पढ़ेंगे। फिर जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो 8 प्लैनेट्स हैं वो पढ़ेंगे। प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा है, क्यों नहीं रहा है वो पढ़ेंगे। फिर कौन सा प्लैनेट ग्रीन प्लैनेट है, कौन सा रेड प्लैनेट है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी हैंड रिटन नोट सीरीज, जिसमें भी हमें पढ़ना है सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू सन वो सब आती हैं। मेनली सन होगा, ठीक है। सन के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। 8 प्लैनेट्स हैं। अब आप सोचेंगे 9 प्लैनेट्स थे हमारे बारे में तो? यस, जब हम पढ़ते थे पहले के टाइम की बात करें तो 9 ही प्लैनेट्स थे। बट अब जो है प्लूटो वो प्लैनेट नहीं रहा है। तो क्यों नहीं रहा है? प्लूटो पे अलग वीडियो बनाऊंगी, काफ़ी शॉर्ट वीडियो, बट आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दूंगी। प्लस सैटेलाइट्स इसमें आते हैं। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, जैसे कि मून है अर्थ का। एस्टेरॉयड्स, मिटियोर्स, कॉमेट्स प्लस अदर लेसर बॉडीज, ये सारी सोलर सिस्टम में आती है। बट आज की वीडियो हमारी मेनली फोकस्ड है द सन, सूर्य के ऊपर। सूर्य के बारे में कंप्लीट स्टडी वो हमें आज करनी है, ठीक है। सबसे पहले है कि सूरज है क्या? एवरेज साइज्ड स्टार इन आर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में एक एवरेज साइज का स्टार जो है वो सन है, ठीक है। नाउ अब आपको ये चीज़ तो पता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ भी है, तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? सूर्य यानी सन के अराउंड चक्कर मारते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। वैसे ही जो हमारा सन है ये भी किसी के अराउंड जो है वो चक्कर मारता रहता है, यानी घूमता रहता है, ठीक है। तो ये सन है, ये इसका सेंटर है, इस ऑर्बिट जो है इस पे ये घूमता है। सो सन जो है 224 मिलियन ईयर्स यानी 224 मिलियन ईयर्स लेता है। रेवोल्यूशन का मतलब है एक पॉइंट के चारों ओर घूमने में 224 मिलियन ईयर्स लेता है, ठीक है। और इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को कहते हैं कॉस्मिक ईयर। जैसे देखिए, हमारी अर्थ सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में घूमती है, तो उन 365 दिनों को हम क्या कहते हैं? वन ईयर, ठीक है। वैसे ही सन जो है एक पॉइंट के अराउंड घूमता रहता है। 224 मिलियन ईयर्स लगते हैं इसे एक पूरा चक्कर करने में, और इस पूरे टाइम को कहा जाता है कॉस्मिक ईयर। और ये जो सर्कल है इसे कहते हैं गैलेक्टिक सर्कल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं भी क्लियर है तो वीडियो को थोड़ा प्रीवियस पे लेके जाओ और फिर देखो, आपको एक बार फिर से सुनो, आपको समझ आ जाएगा। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आता है दैट द सन इज 109 times बिगर देन द अर्थ। जो हमारा सूर्य है वो अर्थ से 109 गुना बड़ा है। तब अब आप सोच सकते हैं अर्थ से कितना बड़ा है सूर्य, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक इमेज सी बनाई है, तो इसके थ्रू हमें पढ़ना है, हमें जानना है सन के बारे में। राइट, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, सो सन की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, अब जो सबसे अंदर होगी चीज़ वही सबसे ज़्यादा हॉट होगी, है ना। जैसे हम अर्थ की लेयर्स पढ़ते हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, तो जो कोर है वो हॉटेस्ट लेयर है क्योंकि वो सबसे अंदर है। तो जो भी हीट वगैरह छुपी है वो वहीं पे छुपी है। वैसे ही सन का केस है। सन का जो सबसे इंटरनल पार्ट है उसे कोर कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। इससे जो ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है फोटोस्फेयर, ठीक है। द ग्लोइंग सर्फेस विच वी सी, जो हम देखते हैं ना आसमान में सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है, हम बोलते हैं वो देखो सूरज, तो वो क्या होती है? वो फोटोस्फेयर होती है जो हमें दिखाई देती है, ये ग्लोइंग सर्फेस होता है इसका। उसके बाद आता है कोरोना। कोरोना ये भी एक लेयर का नाम है, विजिबल ड्यूरिंग एक्लिप्सिस। जब भी एक्लिप्स होता है, जैसे आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रहण, यस ग्रहण, तो जो ग्रहण वगैरह लगते हैं उस टाइम पे जो हमें दिखाई देता है ना थोड़ा रेडिश रेडिश सा, वो लेयर होती है हमारी कोरोना, ठीक है। सो आई होप आपको ये सन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया हो। ये डायग्राम वाला मैंने क्या बनाया है, साइड में जो है फिर इसकी रेज बनाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सन कॉन्स्टेंटली एमिट्स स्ट्रीम्स ऑफ इट्स सब्सटेंसेस मेनली हाइड्रोजन इन ऑल द डायरेक्शंस एमिशंस प्रोमिनेंसेस। ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट टेंशन ना लें, आप थोड़ा फोकस होकर पढ़ें, हो जाएगा। सो सूर्य क्या करता है, हर टाइम
कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रीम जो है वो एमिट करता रहता है, कुछ ना कुछ एमिट करता रहता है अपने सब्सटेंसेस के स्ट्रीम्स, मेनली जिसमें हाइड्रोजन होता है, हर एक डायरेक्शन में हाइड्रोजन को फैलाता रहता है और इन्हीं एमिशंस को कहते हैं प्रोमिनेंसेस. राइट, नाउ द एनर्जी ऑफ सन कम्स फ्रॉम फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम. अगर आप शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, आपको ध्यान होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ाया था, दोनों क्या क्या होते हैं, एटॉमिक बॉम्ब में कौन सा यूज होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन सा यूज होता है, स्टार्स एंड सन्स में कौन सा यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें कोलाइड करते हैं ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, तो वो सब देखिए प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, यहाँ पे मैं और टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ. सो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, एनर्जी ऑफ सन कहाँ से आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है कि फिजन से आती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है, बहुत सारे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं. ठीक है, नाउ सनलाइट टेक्स 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ. सूर्य की रोशनी अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगाती है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स लगाती है, ये आप ध्यान में रखिएगा जरूर. अब इसके बाद आता है इट्स एज, सूर्य की एज क्या है, जैसे हम होते हैं ना 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, वैसे ही सूर्य की यानी सन की भी एज होती है. तो कितनी एज है सन की, 5 बिलियन ईयर्स. इट्स टोटल लाइफ, इसकी पूरी की पूरी कंप्लीट लाइफ कितनी है, 10 बिलियन ईयर्स, यानी 10 बिलियन ईयर्स इसकी लाइफ है, 5 बिलियन ईयर्स ही जी चुका है, अब इसके पास आधा टाइम शेष बचा है जीवन जीने के लिए. ठीक है, सो ये हमने सन के बारे में पढ़ा, बट वेट, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए. बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपको डाउट है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे. एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस पर आपको मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है. हमेशा मैं यही कहती हूँ कि नोट्स अपने आप बनाएं, बट अगर टाइम का इशू है या कोई भी और दिक्कत है तो उस केस में आप नोट्स परचेज भी कर सकते हैं. राइट, सो हम सन के बारे में पढ़ रहे थे, सन के बारे में काफ़ी कुछ और है पढ़ने के लिए, कुछ भी छूट गया तो आप लोग कहेंगे मैम आपने ये नहीं कवर करवाया, आपने वो नहीं कवर करवाया, तो चलिए जो भी है ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. देखिए हम सन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो और चीज़ें हैं पढ़ने वाली, एक है प्लेक्स, एक है सनस्पॉट्स. तो सूर्य में ये प्लेक्स और सनस्पॉट्स क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे. सो प्लेक्स होते हैं ब्राइट स्पॉट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो हमारी धरती है, सॉरी यहाँ पे अर्थ नहीं आएगा, यहाँ पे सन आएगा, जो हमारा सूर्य है उसके सरफेस पे आपको कुछ ब्राइट स्पॉट्स दिखेंगे, है ना, ब्राइट मतलब कुछ चमकते हुए स्पॉट्स दिखेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेक्स कहते हैं. वैसे ही सन स्पॉट्स होते हैं, ये डार्क स्पॉट्स है, केवल काले काले धब्बे दिखाई देते हैं ना, तो वो सन स्पॉट्स कहलाते हैं. प्लेक्स हो गए ब्राइट स्पॉट्स जो सूर्य के सर्फेस पे होते हैं, सन स्पॉट्स हो गए डार्क स्पॉट्स जो सूर्य के सर्फेस पे होते हैं. यहाँ पे आई डोंट नो मैंने बार बार अर्थ क्यों लिखा है, यहाँ पे सन आएगा. सो द सर्फेस ऑफ द सन कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, जो सन का यानी जो सूर्य का सर्फेस होता है वो बार बार चेंज होता रहता है, कभी हमें लगेगा वहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स आ रहे हैं, कभी हमें लगेगा वहाँ पे डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं. तो याद रखना है ब्राइट स्पॉट्स यानी प्लेक्स, डार्क स्पॉट्स यानी सन स्पॉट्स. ठीक है, और ये जो सन का सर्फेस है बार बार चेंज होता रहता है, तो कभी आपको प्लेक्स दिखाई देंगे, कभी आपको सन स्पॉट्स दिखाई देंगे. प्लस जो डार्क स्पॉट्स हैं ये कूलर होते हैं, ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. ठीक है, फिर आता है सनस्पॉट साइकिल. सनस्पॉट साइकिल क्या होती है, सनस्पॉट्स हैव अ पीरियोडिसिटी ऑफ 11 ईयर्स, हर 11 साल के बाद सनस्पॉट्स आपको दिखाई ही देंगे, ये जो है सनस्पॉट साइकिल कहलाता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सोलर विंड्स, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, आप अगर अब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट यानी कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुंच जाएंगे, वहां पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं. सो राइट नाउ मुझे अभी के अभी फॉलो करें इंस्टाग्राम पे. फाइन, हम बात कर रहे थे सोलर विंड्स के बारे में. सो सोलर विंड्स क्या होती हैं, ओके, सो सोलर विंड्स होती हैं अ परसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज ब्लोइंग आउट ऑफ द कोरोना अर्थ मैग्नेटोस्फीयर. ओके, जो हमने देखी, हमने सन की लेयर्स पढ़ी, फिर हमने जाना कि कोरोना वाला पार्ट कब दिखाई देता है, जब भी एक्लिप्सिस लगते हैं यानी जब भी ग्रहण लगते हैं. सो उस लेयर से बाहर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की एक स्ट्रीम निकलती रहती है, ठीक है, हवाएं टाइप, तो उनसे कहते हैं हम सोलर विंड्स.
अर्थ मैग्नेटोस्फेयर एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट द सोलर विंड एंड डिफ्लेक्ट्स इट एनी वे। अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर क्या करता है, एज अ शील्ड की तरह वर्क करता है कि कोई भी ये जो सोलर विंड्स हैं ये अर्थ में ना घुसे। जैसे कि हमारी ओजोन लेयर है वो हमें सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसमें से बचाती है, एज अ शील्ड वर्क करती है। तो वैसे ही मैग्नेटोस्फेयर क्या करता है, एज अ शील्ड वर्क करता है, सोलर विंड से हमें बचाता है, कोई डिफेक्ट ना आए, वहाँ से डिफ्लेक्ट ना करे, वापस अर्थ में ना घुस जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखता है। बट समटाइम्स पियर्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड एंटर्स द एटमोसफेयर। कई बार क्या करती हैं सोलर विंड्स, मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ देती हैं, उसमें से घुसती हुई अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती हैं। तो बस इन्हें ही ऑरोरल डिस्प्लेस कहा जाता है। अब अगर ये आर्कटिक रीजन में दिखाई देती हैं तो ये कुछ और कहलाती हैं, अंटार्कटिक रीजन में दिखाई दें तो कुछ और कहलाती हैं। तो देखिए अगर ये आर्कटिक रीजन में दिखाई देती हैं तो इसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जब ये अंटार्कटिक रीजन में दिखाई देती है तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, प्लेक्स पढ़ लिए, सनस्पॉट्स पढ़ लिए, सनस्पॉट्स का साइकिल पढ़ लिया, सोलर विंड्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर लाइंस। फ्रॉनहोफर लाइंस क्या होती हैं, दैट हंड्रेड्स ऑफ डार्क लाइंस वो सुपर इम्पोज्ड ऑन सन्स वाइट लाइट। देखिए सूर्य में क्या होता है, व्हाइट लाइट होती है, हमने प्रिज्म का कंसेप्ट पढ़ा है कि व्हाइट लाइट प्रिज्म से क्रॉस करती है फिर वो विबग्योर में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए वैसे ही जो हमारा सूर्य है उसमें व्हाइट लाइट होती है, सिंगल लाइट होती है, उस पर जो बहुत सारी डार्क लाइन्स सुपर इम्पोज जाती हैं तो उन्हें कहते हैं फ्रॉनहोफर लाइन्स। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, प्लस आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, नोट्स बनाए हैं तो भी बताएं, नहीं बनाए हैं तो भी बताएं। प्लस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।